ब्लॉगिंग विद अनीस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रैफिक के बारे में। ये ट्रैफिक जो रोड पर आपको दिखती है, उस ट्रैफिक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेबसाइट ट्रैफिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, पूरे डिटेल्ड में मैंने बताया हुआ है कि ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक के टाइप्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इम्पोर्टेंट है एडसेंस अप्रूवल के लिए या नहीं, और हमें फ्री में अच्छे लेवल पे ट्रैफिक कैसे मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है व्हाट इज ट्रैफिक इन ब्लॉगर। तो दोस्तों, हमारे वेबसाइट पे जितने भी व्यूअर आते हैं, वो सारे जो व्यूअर होते हैं वो ट्रैफिक होते हैं, यानी कि पब्लिक रीच जो होता है वो ट्रैफिक कहलाता है। वो अलग अलग तरीकों से आपके वेबसाइट पे आते हैं, और जिन जिन तरीकों से वो आपके वेबसाइट पे आते हैं, उन सारे तरीकों को बोला जाता है टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ट्रैफिक की बात करें वेबसाइट में, तो सबसे पहला नंबर आता है ऑर्गेनिक, दूसरा में आता है डायरेक्ट ट्रैफिक, तीसरा में रेफरल ट्रैफिक, चौथा में सोशल नेटवर्क ट्रैफिक, और पाँचवें नंबर पर आता है पेड ट्रैफिक। सबसे पहले हम जिक्र करें ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक बेसिकली जब कोई व्यूवर आपके लिखे हुए आर्टिकल या आपके वेबसाइट पे कहीं सर्च करता है, किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करता है, और आपके लिखे हुए पोस्ट या आपकी वेबसाइट उस रिजल्ट में आती है, और वहाँ से वो उस वेबसाइट या उस पोस्ट पे पहुँचता है, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाता है। जैसे कि लोग गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, जो भी उनकी इशू होती है, उन्होंने गूगल पे सर्च किया, और सर्च करने के बाद जब उनको रिजल्ट दिखता है, तो रिजल्ट पे जब जाते हैं और किसी एक वेबसाइट पे वो क्लिक कर लेते हैं, तो उस वेबसाइट को एक ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल गया। दूसरे नंबर पे आता है डायरेक्ट ट्रैफिक। डायरेक्ट ट्रैफिक दोस्तों उसे कहते हैं कि जब कोई व्यूअर या विजिटर डायरेक्ट गूगल पर जाकर आपके वेबसाइट के URL को लिखता है और सीधे आपके वेबसाइट पर पहुंच जाता है, या फिर उसके पास आपकी वेबसाइट की URL है और सीधे उस URL पे क्लिक करके वो आपके वेबसाइट पे पहुंच जाता है, तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट ट्रैफिक समझ गए, ऑर्गेनिक समझ गए। तीसरा होता है रेफरल ट्रैफिक। रेफरल ट्रैफिक का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई आर्टिकल लिखा या आपकी जो वेबसाइट है, आपने मुझे बताया कि सर ये मेरी वेबसाइट है, इसको थोड़ा आप अपने लोगों के बीच में शेयर करो, तो मैंने एक वीडियो बनाया और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके दिए हुए लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया, और वहाँ से जब लोग पहुँचेंगे आपके वेबसाइट पे, तो वो डायरेक्ट भी कहलाएंगे और रेफरल भी कहलाएंगे। मेरे नज़र में वो रेफरल होंगे और वेबसाइट के नज़र में वो डायरेक्ट होंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे आपके वेबसाइट के लिंक को क्लिक किया और सीधे आपके वेबसाइट पे पहुंच गया, या किसी पोस्ट के URL पे क्लिक किया और वहाँ वो पहुंच गया। तो मेरे नज़र में वो रेफरल होगा, आपके नज़र में वो रेफरल होगा, लेकिन अगर गूगल एनालिटिक्स की बात करें तो वो डायरेक्ट ट्रैफिक होगा। सोशल नेटवर्क ट्रैफिक चौथे नंबर पर जो आता है, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन सारे जो सोशल नेटवर्क ट्रैफिक्स हैं, इनके द्वारा आपको ट्रैफिक मिलता है, तो वो सोशल नेटवर्क ट्रैफिक होता है। आप किसी आर्टिकल को लिखते हैं और फेसबुक पर उसको शेयर करते हैं, फेसबुक पे आपके जितने भी फ्रेंड हैं या आपके फ्रेंड के फ्रेंड हैं, उस लिंक पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके वेबसाइट या उस पार्टिकुलर पोस्ट पर पहुँचते हैं, तो सोशल नेटवर्क ट्रैफिक के सोर्स में काउंट होंगे। और आप फेसबुक ग्रुप में भी शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम में स्टोरीज में लगाते हैं या पोस्ट करते हैं, या व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं वहाँ आप शेयर करते हैं, या सिंगुलर किसी किसी को अपने व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट से आप उसको शेयर करते हैं, तो वो सोशल नेटवर्किंग सोर्स में आ गया। उसके बाद आता है पेड ट्रैफिक। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपके वेबसाइट या आपके पार्टिकुलर पोस्ट को स्पॉन्सर्ड करते हैं, जैसे कि गूगल के पास गूगल एड्स है, ठीक है, एड नाउ हो गया, मोटेराज हो गया,
यहाँ आपको क्या है कि आप खुद एडवर्टाइज़र बन जाते हैं, ठीक है, और खुद पब्लिशर ही बन सकते हैं। एडवर्टाइज़र का मतलब हो गया कि आप उस पार्टिकुलर वेबसाइट के पास जाओगे, अपनी डिटेल को भरोगे और अपने वेबसाइट के लिंक को दोगे या पार्टिकुलर आर्टिकल को दोगे और कुछ पैसा खर्च करोगे वहाँ और उनको ये बताओगे कि मुझे इस वेबसाइट पे या इस पार्टिकुलर पोस्ट पे मुझे पब्लिक रीच चाहिए, मुझे विजिटर चाहिए। तो वहाँ उस वेबसाइट के लिए आप एक एडवर्टाइज़र हो गए। अगर उसी वेबसाइट पे आप जाते हो और अपनी डिटेल को भरते हो और भरने के बाद अपने वेबसाइट के लिंक को डालते हो और आप ये अप्लाई करते हो कि मेरे वेबसाइट पे आपके द्वारा ऐड आए, तो वहाँ आप पब्लिशर कहलाओगे। तो आप एज अ पब्लिशर भी वहाँ काम करते हो और एज अ एडवाइज़र भी काम करते हो। तो बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे और वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। इन सारे जो वेबसाइट्स हैं, यहाँ से आप ऐड देकर अपने पोस्ट को प्रमोट कर सकते हैं या उनसे ऐड लेकर अपने वेबसाइट पे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये पेड ट्रैफिक हो गया। तो यहाँ तक आप एकदम इजीली समझ गए होंगे, मैंने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझाया है। अब एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि डज ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंपॉर्टेंट फॉर एडसेंस अप्रूवल। मतलब बहुत सारे ऐसे नए ब्लॉगर का सवाल होता है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर मेरे वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, मेरे पास ट्रैफिक बहुत अच्छे खासे हैं, डेली मेरे वेबसाइट पर 1000 विजिटर्स हैं, लेकिन वो सारे के सारे फेसबुक के माध्यम से हैं या व्हाट्सएप के माध्यम से हैं या टेलीग्राम के माध्यम से हैं, यानी कि सोशल नेटवर्किंग ट्रैफिक मेरे पास है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मेरे पास मात्र 2 से 10 है, तो क्या मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है? तो जी बिल्कुल मिल सकता है। ये कहीं नहीं लिखा गया है, ये कहीं नहीं बताया गया है कि आपको एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए आपके पास 80% या 90% ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इम्पोर्टेंट है, वो कब है? जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा और जब आपके वेबसाइट्स पर ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आने लगेंगे तो विजिटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गूगल पे करोड़ों लोग सर्च कर रहे हैं, करोड़ों लोगों की समस्या है, तो उस केस में आपको अच्छे खासे व्यूअरशिप मिल जाते हैं ऑर्गेनिकली। सोशल नेटवर्क पे या रेफरल पे या डायरेक्ट पे आप उस रेंज में, उस अमाउंट में ट्रैफिक नहीं गेन कर सकते हैं जो कि आप ऑर्गेनिक कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से कर सकते हैं, याहू के माध्यम से कर सकते हैं। तो वहाँ जब आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है तब आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि आपके वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आनी चाहिए, इससे आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं आती है तो आपकी अर्निंग कम होगी। तो बस ऑर्गेनिक ट्रैफिक का यही खेल है एक किसी भी वेबसाइट राइटर के लिए, या उसको आप डेवलपर कह दीजिए या आर्टिकल राइटर जो भी होते हैं, जो वेबसाइट पे काम करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उनके लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब ये है कि उनके पास अगर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है तो उनकी कमाई अच्छी खासी हो रही है। एडसेंस को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है या नहीं आ रही है, आपके पास ट्रैफिक आ रही है बस उसको इसी से मतलब है। उसके बाद से फ्रॉम वेयर आई कैन गेट फ्री ट्रैफिक, जो ये सवाल है, तो आपको फ्री में अगर ट्रैफिक लेना है, अच्छा खासा ट्रैफिक लेना है, तो सबसे पहले तो आपको अपने वेबसाइट पे काम करना होगा, अपने आर्टिकल पे काम करना होगा, उसको अच्छे से लिखना होगा, उसका SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, ऑन पेज और ऑफ पेज, इन सारे कामों को ढंग से करना होगा, तरीके से करना होगा, तो आपको फ्री में ऑर्गेनिक ट्रैफिक गूगल के माध्यम से मिलेगा और वो इतना मिलेगा कि फिर आपको कहीं सोचने की और कहीं और शेयर करने की या किसी और चीज़ के बारे में सोचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्री ट्रैफिक लेने के लिए सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन तरीका है गूगल, याहू। अगर आप सही से अपने वेबसाइट पे काम कर लेते हैं, अपने आर्टिकल को ढंग से लिख लेते हैं, उसका SEO अच्छे से कर लेते हैं, तो आपको फिर सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं होगी अपने ट्रैफिक को लेकर। अगर वो नहीं हो पा रहा है आपसे, अगर नए ब्लॉगर हैं, बहुत सारा चीज़ आपको सीखना है, समझना है, तो आप फेसबुक पे अपने नीच से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप वैकेंसी, गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ लेटेस्ट वैकेंसीज की डिटेल्स बताई जाती है, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं।
और अपने आर्टिकल को लिख के वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आप फेसबुक पर पेज बना सकते हैं, पेज बना के उसको वहाँ आप उसके सब्सक्राइबर यानी कि फॉलोअर, फेसबुक के लैंग्वेज में उसके फॉलोअर्स को आप बढ़ा सकते हैं और वहाँ अपने पोस्ट को डाल के आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। आप टेलीग्राम पे चैनल बना सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो इन तरीकों से आप फ्री में ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं अपने वेबसाइट पे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी और मैंने काफ़ी सरल भाषा में और बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को मैंने बताया है। तो इतनी मेहनत के लिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। मैं और मिलूंगा और कोई नया अपडेट लेकर ज़रूर आऊँगा कोई नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।